अंधारी व्याघ्र प्रकल्प की छोटी मधु बाघिन ने की शिकार का दृश्य वन्य जीव छाया चित्रकार प्रीतेश मत्ते ने कैमरा में कैद किया। पर्यटकों को बाघ का दर्शन होने से पर्यटक मंत्रमुग्ध हो गए। भारत में बाघों के लिए सुप्रसिद्ध ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प में आगरझरी बफर जोन में सफारी करने वाले पर्यटक मंत्रमुग्ध हुए। बाघ का मनसोक्त दर्शन उन्हें मिला। बढ़ते ओमिक्रॉन वायरस के प्रकोप से शासन ने अनेक निर्बंध डाले हैं। इसी में राष्ट्रीय उद्यान ताड़ोबा में भी जंगल सफारी का कल का आखिरी दिन होने से कई पर्यटकों ने जंगल सफारी का आनंद लिया, जिसमें बफर जोन के आगरझरी प्रवेश द्वार में सफारी को आए पर्यटकों को छोटी मधु और उसके तीन बछड़ों ने दर्शन दिए होकर आखिरी दिन पर्यटक मंत्रमुग्ध हुए। बाघों के दर्शन के लिए संपूर्ण देश भर से पर्यटक ताड़ोबा जंगल सफारी के लिए रिसर्च फोटोग्राफी करते आते हैं और शिकार खाते समय मिलने वाला अनुभव भी यह हर समय नहीं मिलेगा। करचांदूर के पर्यटकों ने जंगल सफारी के लिए मोहरली इलाके के आगरझरी बफर प्रवेश द्वार से प्रवेश लिया था। सफारी दौरान उन्हें छोटी मधु और बाघिन ने दर्शन दिए। बाघिन के साथ उसके शावक भी थे। सफारी दौरान शिकार खाते समय का दृश्य वन्य जीव छाया चित्रकार प्रीतेश मत्ते ने कैद किया है। इस समय पर्यटकों ने छोटी मधु बाघिन ने की शिकार भी देखी। सफारी के दौरान छोटी मधु सांबर डियर वन्य जीव की शिकार की, जिसके बाद दमदार कदम डालते हुए जिप्सी की दिशा से आई। छोटी मधु ने शावक के साथ पर्यावरण प्रेमी दीपक खेकारे, अमोल मेश्राम, प्रीतेश मत्ते और अन्य पर्यटकों को दर्शन दिए। ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प की पर्यटकों ने प्रशंसा की। ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प यह भारत के चंद्रपुर जिले का एक व्याघ्र प्रकल्प है। इसमें ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान और अंधारी अभयारण्य समावेश है। यह महाराष्ट्र का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। हाल में कोविड के मरीज बढ़ रहे हैं, कुछ समय बाद वह बंद होने की संभावना है।